हमें हम युवा अवस्था में हैं, नादान वर्ष, उसको हमने शो ऑफ करने के लिए दिखा दिया। युवावस्था में गलती हो गई, पूरा पैसा लीगल है, ये कहना है बीजेपी के उस नेता का जो अपनी कार के बोनट और सीट पर नोटों की गड्डियां लेकर चल रहा था। बवाल मचा तो बीजेपी के भानु प्रतापपुर मंडल के इस युवा मोर्चा के अध्यक्ष को सफाई देनी पड़ी। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो जो पैसे दिख रहे हैं वो मेरे परिवार के पैसे हैं, जो लीगल पैसे हैं। मैंने भूलवश, नादानवश उसको मैंने सोशल मीडिया में रील्स के चक्कर में मैंने डाल दिया था, जो कि मेरे से गलती हुई थी, लेकिन वो इनलीगल पैसे नहीं है। अगर जिनके पास इनलीगल पैसे होते हैं वो दिखाते नहीं हैं। हम युवा अवस्था में हैं, नादान वर्ष, उसको हमने शो ऑफ करने के लिए दिखा दिया। भूपेश बघेल ने आकाश सोलंकी को लेकर ट्वीट किया तो बीजेपी के नेता भूपेश बघेल को उनकी सरकार के समय हुए घोटाले गिनवाने लगे। परंतु माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का उसमें ट्वीट करना और अपने सोशल मीडिया पर डालकर सरकार को घेरने का प्रयास करना उनकी ओछी मानसिकता और राजनीति के प्रति जो उनकी गंभीरता है उसको निश्चित तौर पर दर्शाता है। क्योंकि एक बच्चा यदि अपने पारिवारिक पैसे को लेकर कहीं जा रहा है, उससे गलती हुई है, उसने सोशल मीडिया में डाला है, लेकिन इसका आशय ये नहीं होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन लगाएं। उनके बच्चे की उम्र का, उनके पोते की उम्र का वो लड़का है, यदि कोई एरोप्लेन के साथ फोटो डाल देता है तो वो एरोप्लेन उसका नहीं हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की मानसिकता ऐसी है, उनके बेटे के ऊपर एलिगेशन लगता है। पीएससी घोटाले में जब वो जांच के घेरे में आते हैं, कोल घोटाले के मामले में जब वो तिवारी जी से मिलने जेल जाते हैं, ये सब चीज़ों का खुलासा करे। पीएससी में जो युवाओं के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है उस पर वो खुलासा करे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर कांग्रेस अभी भी हमलावर है और साय सरकार पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार अब छलकने लगा है। भाजपा का एक नेता नोटों की गड्डियों का सरेआम प्रदर्शन करता है, अपनी पूरी गाड़ी में नोटों की गड्डियां बिछाए हुए हैं, सीट में नोटों की गड्डियों को रखा हुआ है, और सबसे मज़ेदार बात है कि वो बेरोजगार है। कहीं पे एक रुपए का उसका कोई ठेका नहीं है, कहीं कोई व्यवसाय नहीं है, उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि इतने पैसों का वो प्रदर्शन कर पाए। उसके बाद भी जिस प्रकार से धन का इस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, यह इस बात का द्योतक है कि पूरे प्रदेश में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हावी है। बहरहाल आकाश सोलंकी इस पूरे मामले पर अपनी सफाई तो पेश कर चुके हैं और कह दिया कि ये पैसा उनका नहीं बल्कि उनके परिवार का है। क्या अब इस मामले पर राजनीति बंद हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। रायपुर से विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।